हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये जादूगर कौन है? UK SSSC वाले है ना, हमारे अध्यक्ष महोदय और बाकी UK SSSC एक जादूगर है ये जो जादू दिखा रहे हैं। अब ये जादू देखेंगे आप, मैं अभी थोड़ी देर में आपको पहले बताता हूँ। देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यार, आप लोगों ने देखा था वो, 20 सितंबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर, जिसमें मैंने बताया कि UK SSSC LT रिजल्ट अपडेट खुशखबरी इंतजार होगा, खत्म है, ठीक है। तो इनमें इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा है इसको सुनना, ये 20 सितंबर की बात है। अभी जादू देखेंगे हम, ठीक है, चलते चलते। आज 4 अक्टूबर है, 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच अब जादू दिखाऊंगा अभी आपको मैं, देखते रहना इसको जरा ध्यान से। पहले इसको देखिए जरा, क्वेश्चन वो कल मैंने कंप्लीट कर दिया और अगले हफ्ते 10 दिन में उसका जो रिवाइज जो की जाएगी वो उसका रिजल्ट निकल जाएगा। सर लिख रहे हैं कि LT कला LT आर्ट्स विषय का रिजल्ट 2021 में घोषित नहीं हुआ है, भर्ती रद्द हो गई, अब फिर से 2024 में पेपर दिया है, कृपया जल्द से जल्द रिजल्ट कला विषय का परिणाम घोषित करने की कृपा करें। वाले आप कौन, अगले 10 दिन में उसका रिजल्ट निकाल देंगे, 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा सर। LT तो भैया देखा आपने ये जादू, यहाँ पर देखा आपने, उसके बाद एक जादू और दिखाता हूँ। यानी कि ये 20 सितंबर को इन्होंने बोला कि कल इसका रिजल्ट हमने जो है वो पूरा सब कुछ तैयार कर लिया, प्रत्यावेदन वगैरह, अब हम जो है जल्द ही इसका रिजल्ट जारी करने वाले हैं, 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी कि 20 तारीख के बाद हफ्ता 10 दिन, तो हमारे हिसाब से तो 30 तारीख तक 10 दिन हो जाता और 27 तारीख तक जो हफ्ता हो जाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगला वीडियो हमने जो है एक और बनाया था, जिसमें देवभूमि डायलॉग वालों ने का क्लिप हमने इसमें दिया, आपको दिया था। तो ये 29 तारीख को बनाया था हमने, यानी कि एक हफ्ते के बाद हमने ये बनाया था, ठीक है, एक हफ्ते तक रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद इसमें जो है इन्होंने क्या कहा, जरा इसको सुन लीजिए एक बार। उनके ऑब्जेक्शन मैं अभी 2 दिन पहले सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए, अगले मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 दिन लगेंगे, अगले महीने भर में दिसंबर से पहले पहले हम रिजल्ट निकाल देंगे उसका, फाइनल सिलेक्शन। तो भैया ये था 29 तारीख का वीडियो, यानी कि 9 दिन बाद हमने ये वीडियो बनाया। तो इसमें क्या कहा गया कि हमने तैयार कर दिया है 2 दिन पहले, हालांकि 20 तारीख को भी बोला था कि 1 दिन पहले हमने कल ही जो है सब कुछ आंसर की वगैरह में जो भी प्रत्यावेदन थे वो सब क्लियर कर दिया है, लेकिन 29 तारीख को फिर बोला कि 2 दिन पहले मैंने ये कंप्लीट कर लिया। चलो ये जादू हमने फिर देख लिया और हफ्ते 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा, 20 तारीख को भी बोला था, 29 तारीख को फिर बोला कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा और दिसंबर तक हम फाइनल जो है आंसर मतलब रिजल्ट जारी कर देंगे। चलिए भाई ठीक है, अब हम इंतजार कर रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब तीसरा जादू दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अब तीसरा जादू हम देखेंगे यहाँ पर को, ये देखिए तीसरा जादू इसमें क्या होता है। ये है आज का वीडियो, अभी का वीडियो, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, युवा बेसब्री से जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसके पीछे विलंब का क्या कारण है, आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? नहीं, हमारे पास जो पेंडिंग है जिनका रिजल्ट निकालना है उसमें एक ग्रेजुएट लेवल है जिसको हम अगले 10 दिन में निकाल लें, उसके बाद LT है हमारे पास, उसको भी हम अगले 10-15 दिन में उसको भी निकालेंगे, और इसके अलावा हमारे पास एक स्केलर का है उसको भी हम निकालेंगे। डिले बहुत नहीं हुआ है, डिले कोई अपने टाइम से चल रहे, क्योंकि हमारा ग्रेजुएट लेवल थोड़ा लेट हो गया था, उसमें जरा पंचायती राज डिपार्टमेंट से थोड़े उनके इशूज थे तो चक्कर में, लेकिन अगले 1 महीने में, अगले 10-15 दिन में उसका रिजल्ट निकल जाए। अच्छा सर, कई युवा हम, तो देखा आपने जादू, आज 4 तारीख हो गई, अभी भी 10 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है रिजल्ट जारी आपका होने वाला है। तो ये चीज मतलब अब यार कहाँ तक इन पर यकीन करेंगे, कहाँ तक ये भरोसा होने वाला है, आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है यार इसके बारे में? तो क्या ये इस पर यकीन किया जा सकता है कि हाँ आने वाले 10 दिन में या 5 दिन में या 4 दिन में ये रिजल्ट जारी हो जाएगा? मुझे नहीं लग रहा है कि हो जाएगा। अगर हो जाता तो ये तो अच्छी बात है, हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ तैयार हो गया है तो फिर ऐसा क्यों, अगर नहीं हुआ है या फिर नहीं करना है तो इस प्रकार से जो है चीज़ें घुमा फिरा के कहने की
बात क्या है। तो ये बहुत बड़ा जादू मैंने देखा आज, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये जादू दिखा दिया जाए। तो दोस्तों ये घुलमुल जो रवैया है ये कब तक चलेगा, इससे तकलीफ होती है, सब लोगों को तकलीफ होती है, आपको हमको। तो देखते हैं ये रिजल्ट जो है सचमुच अब 8-10 दिन के अंदर जारी होता है या नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से जो है 10 दिन के बाद भी, हाँ हफ्ते 10 दिन में जारी हो जाएगा, फिर 5 दिन के बाद फिर इंटरव्यू कोई करता है, हफ्ते 10 दिन में जारी हो जाएगा, फिर कोई 10 दिन के बाद फिर करता है, हफ्ते 10 दिन में हम जारी कर देंगे। कल ही हमने ये काम पूरा कर रखा है जब भी बनाएंगे, चाहे 10 दिन बाद कोई इंटरव्यू ले, 15 दिन के बाद कोई इंटरव्यू ले, हमने कल ही ये काम पूरा कर रखा है। तो ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आती, आप लोगों का क्या मानना है यार, कमेंट करके आप लोग भी ज़रूर बताएं अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जो है आप लोग भी दें। इस वीडियो में इतना ही है, कोई नई अपडेट नई जानकारी आती है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।